उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित ताजमहल पर एक बार फिर जल चढ़ाया गया। महिला ने भगवा झंडा भी लहराया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने हिरासत में लिया है। पूर्व में भी यह महिला जलाभिषेक के लिए कांवड़ लेकर पहुंची थी। ताजमहल में सावन माह के अंदर हिंदूवादियों की तीसरी प्रतिक्रिया सामने आई है। इससे पहले भी युवक का जलाभिषेक का वीडियो सामने आ चुका है। सोमवार को महिला एक बोतल में पानी लेकर गुंबद में पहुंची। उसने दावा किया कि बोतल में गंगा जल था। उसने मुख्य गुंबद पर भगवा झंडा भी लहराया। वीडियो सामने आने के बाद ताज की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बताते चले कि इससे पहले भी यह महिला ताजमहल पर जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ लेकर पहुंची थी। महिला हिंदू महासभा की पदाधिकारी भी बताई जा रही है। CISF जो कि ताज महल की अंदर की सुरक्षा देखती है, उसके द्वारा लोकल थाना ताजगंज पर सूचना दी गई कि दो युवक जो पर्यटन हेतु ताजमहल के अंदर आए थे, उनके द्वारा बिस्लरी की बॉटल से उनको ताजमहल प्रेमाइस में जल गिराते हुए देखा गया। और उस सूचना पर CISF ने इन दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। CISF के द्वारा दी हुई लिखित तहरीर पर थाना ताजगंज पर अभियोग पंजीकृत कर इन दोनों युवकों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।